लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत ने बढ़ाई अपनी ताकत। इतिहास में पहली बार चीन को डुबोने के लिए भारत ने खेल डाला तिब्बत कार्ड। भारत के तिब्बत कार्ड के आगे क्लीन बोल्ड हुआ चीन। सियासत में भारी गर्माहट। अरुणाचल प्रदेश में दो घातक हथियारों की तैनाती से बौखला उठा ड्रैगन। दोस्तों, वर्तमान में भारत और चीन के बीच में तनाव अपने चरम पर है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत और चीन के बीच लगती एलएसी सीमा पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और चीन लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश पर अपने अधिकार को जमाना चाहता है। और हाल ही में भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश दौरे के बाद चीन ने अपनी आपत्ति जताई थी और कहा था कि अरुणाचल प्रदेश चीन की तिब्बत का ही एक भाग है, जिस पर भारतीय नेताओं की यात्रा प्रतिबंधित है और वह इसे दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव को और भी ज्यादा भड़काने वाला मानता है। ऐसे में दोस्तों, भारत सीमा पर चीन जिस तरह से आक्रामक कार्रवाई कर रहा है, उसको देखते हुए भारत को भी चीन के खिलाफ आ जाना चाहिए और चीन की वन चाइना पॉलिसी से हटकर भारत को तिब्बत और ताइवान को लेकर अपना स्टैंड खुलकर क्लियर करना चाहिए। दोस्तों, भारत के लिए अब चीन की वन चाइना पॉलिसी से हटना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि चीन जिस प्रकार से समुद्र के क्षेत्र में और सीमा पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और भारत से दुश्मनी को लगातार बढ़ा रहा है। चीन ने तिब्बत को कब्जा करके भारत के खिलाफ जहां पहले से ही लद्दाख में मोर्चा खोल रखा है। भारत के अक्षय चीन कहे जाने वाले लद्दाख के भूभाग पर चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था, लेकिन चीन का मन इतने से नहीं भरा। चीन अब अरुणाचल प्रदेश को कब्जाने के बारे में सोचता है, इसलिए अब भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि भारत चीन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले, क्योंकि दोनों देशों के बीच तिब्बत एक ऐसा देश है, एक ऐसा क्षेत्र है जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि चीन सरकारी नौकरी का झांसा देकर तिब्बत के निवासियों को, तिब्बत के युवाओं को पीएलए में शामिल कर रहा है। वहीं कुछ लड़कों को भारतीय सेना की जासूसी के लिए भी भेज रहा है और तैयार कर रहा है। इसके लिए कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि चीन तिब्बत के अंदर लड़कों को भारत के खिलाफ तैयार कर रहा है। ऐसा करके चीन भारत के सामने एक ही तीर से दो निशाना साधना चाहता है। पहला यह कि चीन चाहता है कि अगर तिब्बत के लड़के भारतीय सेना के सामने टक्कर लेते हैं और अगर युद्ध या फिर कोई और ऐसी घटना होती है जिसमें तिब्बत के लड़के मारे जाते हैं, तो चीन को यहां पर फायदा होगा, क्योंकि तिब्बती लोग भारत के खिलाफ आक्रोशित हो जाएंगे और भारत के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे, जिसका फायदा सीधा चीन को होगा और चीन तिब्बत के लोगों की भावनाओं पर कब्जा कर लेगा, जिसकी बदौलत चीन को अपनी सैन्य और भारत विरोधी गतिविधियों को तिब्बत से सुचारू रूप से चलाने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, लद्दाख में बहुत ही ज्यादा भयंकर ठंड पड़ रही और इस ठंड के अंदर, इस एनवायरमेंट के अंदर चीन के जो जवान है वो टिक नहीं पा रहे हैं और लगातार बीमार पड़ रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। इसलिए चीन जानता है कि ऐसी स्थिति में भारत के खिलाफ अगर कोई मुठभेड़ होती है तो उसके जवान सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए पिछले एक साल में अपने 90% जवानों को बदल चुका है चीन, लेकिन जो नए जवान भी लद्दाख में तैनात हुए हैं वह भी लगातार बीमार पड़ रहे हैं और चीन का टॉप कमांडर तक इसी वजह से दर्दनाक मौत के हवाले जा चुका है। इसलिए चीन जानता है कि वहां की स्थानीय लड़के हैं उनको सेना में शामिल करके लद्दाख में तैनात किया जाए, ताकि वह लद्दाख में भारत के खिलाफ मोर्चा संभाल सके। लेकिन दोस्तों, इन सब चीन के पैंतरों को नष्ट करने के लिए भारत ने भी अब इतिहास में पहली बार तिब्बत कार्ड खेलने का फैसला लिया है। तिब्बत के थ्रू चीन पर दबाव बढ़ाया जाएगा और उसके लिए भारत ने अपनी प्लानिंग को तैयार कर लिया है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो तिब्बत है वह सबसे ज्यादा विवाद का विषय बना हुआ है। एक और जहां तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा जिनको भारत ने शरण दे रखी है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन अपना दावा ठोक रहा है। इसलिए भारत तिब्बत को लेकर चीन पर अब प्रेशर बनाने के फुल मूड में है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि लद्दाख और एलएसी विवाद के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाकर के अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर लिया है और इस आत्मघाती वार से हुए घाव पर भारत नमक छिड़कने का काम करेगा और इसके लिए भारत बहुत ही बड़ा फैसला कर चुका है। जी हां, तिब्बत के जरिए चीन पर दबाव बनाने के लिए
भारत अपनी तैयारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि अब जो भारत ने तिब्बत को लेकर बड़ा स्टेप लिया है, कहीं ना कहीं आगे जाकर भारत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा और तिब्बत को चाइना से आजाद करवाने में बड़ा मददगार साबित होगा। जी हाँ, अब भारत ने तिब्बत को बचाने के लिए और तिब्बत के जरिए जो चीन भारत पर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा है उसके इरादों को पस्त करने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। जो भारतीय सैनिक तिब्बत से सटी सीमा पर तैनात होते हैं, अब भारत ने उनको तिब्बत से जुड़ी हर जानकारी देने का फैसला किया है, जो कि वहां तिब्बत के आम नागरिक फॉलो करते हैं। वहां का कल्चर, वहां की धर्म, वहां का रीति रिवाज, वहां के संस्कार, तिब्बत के लोगों की भावनाएं किस प्रकार की है, किससे जुड़ी हुई है और उनका विचार किसको लेकर क्या है, आखिर कैसे तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया और किस कारणवश आज तिब्बत चीन के कब्जे के अंदर है, ऐसे बहुत सी जरूरी जानकारी अब भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग में दी जाएगी, ताकि वे तिब्बतियों के साथ एकदम घुल मिल सके, एक भाईचारे का बीज बो सके। अब इसका फायदा क्या होगा कि भारत तिब्बत के लोगों के अंदर घुल मिलकर चीन के अंदरूनी मामलों पर नजर रखने में सफलता हासिल कर लेगा। भारत का जासूसी नेटवर्क तिब्बत के लोगों के बीच में फैल जाएगा और भारतीय सैनिक उनके साथ मिलकर चीन के इरादों पर नकेल कसने में जो कुछ जरूरी चीजें हैं उनको पकड़ सकेंगे। तिब्बत के लोगों के साथ घुल मिल जाने से भारत और तिब्बत के बीच में रिलेशन शानदार होगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में दोनों एक नए पथ पर चल सकेंगे जो दोस्ती और मदद के लिए होगा और अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए काम करेगा। और भारत सरकार ने इस प्लान को जमीनी स्तर पर शुरू करने के लिए अपनी तैयारी को बढ़ा लिया है। अजीत डोवाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत इस प्लान को लॉन्च भी कर चुका है। इसके लिए भारत ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय कल्चर, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, वहां पर तिब्बत के साथ मेल भाव को बढ़ाने के लिए भारत ने भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। और शुरुआती प्लान के तहत भारत के 15 पार्टिसिपेट ने कोर्स को पूरा कर लिया है और भारत अब इस प्लान को बड़े स्तर पर सुचारू रूप से चलाने का लगातार काम कर रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अब भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर पिनाका रॉकेट लॉन्चर को तैनात कर दिया है, जिसने कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे और भारत की जीत में अहम भूमिका अदा की थी। अब इस पिनाका रॉकेट लॉन्चर को चीन से लगती सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया है। यह रॉकेट लॉन्चर इतना खतरनाक है कि आप समझ सकते हैं कि मात्र 44 सेकंड के अंदर 72 रॉकेट फायर कर सकता है, जो दुश्मन पर आग बरसाने के लिए बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति LIC पर लगातार चीन और भारत के बीच में बनती जा रही है, उसको देखते हुए भारत को यह जरूरी हो गया है कि वह सीमा पर अपनी मजबूती को और भी ज्यादा ताकत दे, ताकि चीन के किसी भी वक्त घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। भारत की इस पिनाका रॉकेट लॉन्चर की वजह से सीमा पार बैठे दुश्मन के 50 किलोमीटर दूर तक सैन्य कैंपों, हथियारों को भी नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर है, जिसके मुताबिक भारत ने अरुणाचल प्रदेश की तवांग, जो कि हाल ही में भारत और चीन के बीच झड़प को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, वहां पर भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल बर्मोस को तैनात कर दिया है। यह पहली बार है जब LIC पर भारत ने बर्मोस को तैनात किया है। दोस्तों जिस प्रकार से भारत LIC पर हथियारों की तैनाती कर रहा है, उसके बाद चीन की अकल ठिकाने पर आना शुरू हो गई है। वहीं भारत से दुश्मनी लेने वाले दो देश तुर्की और पाकिस्तान से पहले ही भारत की कूटनीति के कारण दुनिया से अलग थलग पड़ चुके हैं और अब भारत चीन को लेकर भी अपनी खतरनाक कूटनीति को आगे बढ़ाने में लगा है। दोस्तों कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा।